हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और जो मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं उन्हें वेलकम। सो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ हाउ टू एक्सपोर्ट योर ट्रैकलिस्ट इन रिकॉर्ड बुक्स। सो बेसिकली ये जो भी प्रोसेस है ये यूज इसलिए आता है कि डीजे जब भी सी डीजेस पे वर्क करते हैं या प्ले करते हैं तो अपने जो BPM है वो बहुत जल्दी आ जाते हैं और अपनी वेव फॉर्म्स हैं जो सॉन्ग्स की वो भी आ जाती है। सो आप इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग टू एंड देखिएगा, आप सारे स्टेप्स को फॉलो करिएगा तो तभी आपके गाने एक्सपोर्ट हो पाएंगे। सो आप एक भी स्टेप मिस मत करिएगा। सो मैं शुरू करता हूँ। हमें फर्स्टली अपन को ओपन करना है अपना रिकॉर्ड बॉक्स जैसे कि मैंने कर रखा है। सो ऐसा इंटरफेस आना चाहिए आपके भी। सो फर्स्ट स्टेप है कि आप अपने सॉन्ग्स को ढूंढिए पहले कि आपके सॉन्ग्स कहाँ पर है। सो एक्सप्लोर में आप जब जाएंगे, यहाँ पर एक्सप्लोर है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये एक्सप्लोर है। तो जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे जहाँ पे भी आपके सॉन्ग्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो मैंने अभी अपने सॉन्ग्स डेस्कटॉप पे रख रखे हैं। सो ये मेरे सारे सॉन्ग्स आ गए फोल्डर टू वाइज, जितने मैंने अभी तक मेरा कलेक्शन है वो सारे सॉन्ग्स हैं। और अब हम इनको एक्सपोर्ट करेंगे। सो हमें पहला ये करना पड़ता है कि हमें प्लेलिस्ट बनानी पड़ती है। सो हम प्लेलिस्ट बनाएंगे पहले। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं कोई सा भी एक फोल्डर लेता हूँ, मैं इंग्लिश सॉन्ग्स का ले लेता हूँ, ठीक है। हम इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, देन ये सेलेक्ट हो जाएगा। देन हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के बाद में इम्पोर्ट एज अ प्लेलिस्ट आ जाएगा। सो आपको इस पर क्लिक करना है और ये डायरेक्टली रिकॉर्ड बॉक्स एक आप प्लेलिस्ट बना देगा। सो हम जैसे इस पर ये क्लिक करेंगे तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, बट अपन जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसा आपके नहीं आएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, दैट्स व्हाई ये आ रहा है। सो अभी हम ऊपर ही ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक आता है कलेक्शन। अभी मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, तो यहाँ पे कलेक्शन आता है और यहाँ पे आता है प्लेलिस्ट। जैसे देख लो तो प्लेलिस्ट पे हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। सो जो भी आपका फोल्डर है आपने उसको इंपोर्ट करा है तो वो यहाँ पे प्लेलिस्ट में आ जाएगा। सो अपना मेरा एंड में आएगा, ठीक है। अब ये है तो अपन इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी अपना फोल्डर अपन जिसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। और सो अपन को इसके बाद में अपना जो भी आपके पास पेन ड्राइव है, SSD है, हार्ड डिस्क है, आपको आपने जो एक्सटर्नल बना रखी है वो आपको इंसर्ट करनी होगी। सो इसके बाद में अपने पास अपन इसको करेंगे, अपन ने इसको सेलेक्ट करा, इसको सेलेक्ट करने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे। तो अभी मैं अपनी इंसर्ट करता हूँ पेन ड्राइव। सो जैसा कि मैंने अपनी पेन ड्राइव इंसर्ट कर दी है तो अब आप यहाँ देखेंगे, अब आप जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक्सपोर्ट प्लेलिस्ट आएगा। सो जैसे कि मैंने अपनी पेन ड्राइव का नाम तुषक 1 लिख रखा है तो जो भी आपका डिवाइस होगा वो यहाँ पे शो कर जाएगा। तो अब आप इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यह एक्सपोर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, बस आपको ये लास्ट स्टेप है। तो आपका जो भी आपका फोल्डर है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा आपके हार्ड, जो भी आपकी पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, SSD है, जो भी है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। और फिर इसके बाद में आप अपने CDJs में यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे ही आप अपने फोल्डर को एक्सपोर्ट करेंगे तो आप देखना चाहते हैं कि अपना जो भी फोल्डर है वो कहाँ एक्सपोर्ट हुआ है। सो मैं आपको बताता हूँ, आप एंड में जाएंगे बॉटम में नीचे तो यहाँ पे आता है डिवाइसेस, जो इसमें क्लिक करेंगे तो ये अपना जो भी मेरी ये USB है वो यहाँ शो करेगी। देन हम इसमें जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ अपनी प्लेलिस्ट आ जाएंगी, ठीक है। तो अब जैसे आप अपने फोल्डर एक्सपोर्ट करेंगे तो वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। सो ये स्टेप है, ये बहुत इजी है, तो आप कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। और
मेरी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा और आपकी जो हेल्प करेगी मैं वैसी वीडियोस लाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो पूरी देखी स्टार्ट टू एंड। सो थैंक यू, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।